नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक गोस्वामी। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुध एंटरटेनमेंट पे। तो अभी बातें करते हैं सोनाली फोगाट मामले की। सोनाली फोगाट मामले के अंदर दिन प्रतिदिन जो है लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में लगातार सस्पेंस जो है बढ़ता चला जा रहा है। अब तक पुलिस की जाँच में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई सवाल उठे और उनके जवाब आ चुके हैं, लेकिन उन जवाबों की कड़ियाँ अभी तक नहीं जुट पाई है। अब गोवा पुलिस की टीम हरियाणा स्थित सोनाली फोगाट के घर पर जाएगी और वहाँ पे तलाशी लेगी, तलाश करेगी। वहाँ पे सुधीर सांगवान की और सोनाली फोगाट की जो जगह है उनके ऊपर गोवा पुलिस की टीम अपनी जांच करेगी और उनका सोनाली फोगाट का जो फार्म हाउस है उसके ऊपर भी गोवा पुलिस की टीम जो जाएगी, परिवार से पूछताछ करेगी और मामले में उठे रहे सवालों के जवाब तलाशेगी। परिवार ने सोनाली की हत्या का आरोप लगाया है। अब आरोप लगे है कि सुधीर ने सोनाली की हत्या का जाल बुना था। वह कई वर्षों से साजिश रच रहा था कि और सोनाली को ऐसे मारना चाहता था ताकि उसकी मौत जो है प्राकृतिक लगे। गोवा पुलिस की एक टीम मंगलवार को हरियाणा पहुंच रही है। पुलिस महानिरीक्षक गोवा ओमवीर सिंह बिश्नोई ने बताया कि टीम परिवार के लगाए आरोपों की जांच के लिए सोनाली और सुधीर सांगवान के ठिकानों पर जाएगी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस मामले की एक गुप्त रिपोर्ट भी दी जाएगी। बता दें आपको, इधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि फोगाट के परिवार के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। इस हत्याकांड के पीछे कुछ बड़े राजनेताओं का हाथ भी हो सकता है, इसलिए सरकार ने गोवा सरकार से केस की CBI जांच कराने का पत्र लिखा है। सूत्रों ने बताया कि परिवार ने एक राजनेता का स्पष्ट रूप से हम भी लिया है, इसलिए सरकार चाहती है कि इस केस की CBI जांच हो। परिवार ने जो है गोपाल कांडा के ऊपर आरोप लगाया। सोनाली के भाई फतन डाका ने हरियाणा के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक गोपाल कांडा का स्पष्ट रूप से नाम लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गोपाल कांडा ने सुधीर सांगवान समेत सोनाली के हत्या आरोपियों की मदद की। वतन डाका उर्फ रिंकू ने कहा कि भिवानी जिले का सुखविंदर कुछ साल पहले सिरसा में गोपाल कांडा के साथ रहता था। उन्होंने आरोप लगाया कि उसने गोवा से गोपाल कांडा से संपर्क भी किया था और सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पने का जो है ये सारा खेल रचा गया था। सुधीर सांगवान और उसके सहयोगी सुखविंदर ऊपर आरोप है कि सोनाली की संपत्ति हड़पने के लिए उसकी हत्या की गई है और परिवार ने आरोप लगाया कि सोनाली की हत्या करके उसकी प्राकृतिक हत्या दिखाने की साजिश लगभग 3 साल पहले से ही शुरू कर दी गई थी। सुधीर सांगवान ने सोनाली को फंसाना शुरू कर दिया था। परिवार के आरोप है कि सुधीर सबसे पहले कुछ तांत्रिकों के साथ मिलकर सोनाली को फंसाना चाहता था। उसके दिमाग में परिवार के खिलाफ बातें बढ़ता गया और चापलूसी करता गया। परिवार से ही उसकी जान को खतरा बताकर उसे अपने परिवार से दूर रखा गया। उसके बाद फार्म हाउस पर सारा स्टाफ भी खुद अपॉइंट किया और सोनाली के आसपास का माहौल ऐसा बनाया कि उसको खुद के सामने उसका सबसे बड़ा हितैषी दिखाया जा सके। इस मामले पर ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आगे की जांच जो होगी CBI को ट्रांसफ़र होती है या गोवा पुलिस ही करती है, ये अब देखने वाली बात होगी। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर तो भेज दिया है और मुख्यमंत्री जो गोवा के हैं प्रमोद सावंत जी, उनका भी एक बड़ा बयान सामने आया था कि उनको CBI को ये जांच सौंपने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अभी तक इस बात पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। मिलते हैं आपको फिर से नए अपडेट के साथ।